कि रबीउल अव्वल में काम करना क्या है जो अल्लाह के रसूल ने की है। अल्लाह के रसूल की कौल और फेल से जो चीज साबित है, और खुला अल्लाह और फरिश्ता अपने रसूल के ऊपर क्या भेजते हैं मेरे दोस्तों, दुरूद भेजते हैं। आए ईमान वालों, तुम भी अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेजते रहो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. के रबीउल अव्वल में काम करना क्या है जो अल्लाह के रसूल ने की है। अल्लाह के रसूल की कौल और फेल से जो चीज साबित है, और खुलाफाए राशिदीन से जो चीज साबित है, जो काम ताबीन ने तबे ताबीन ने की है, उस काम को करना मेरे दोस्तों, अपना ही मर्जी से चरागा करना, अपना ही मर्जी से जश्न ना मिलाद नबी बनाना मेरे दोस्तों, पूरा 12 महीने के अंदर किसी भी दिन तो आप कर सकते हो ना मेरे दोस्तों। अब रोड घाट रास्ते गाड़ी हर किस्म की लोगों को अजियतें देना मेरे दोस्तों, कभी हमारे रसूल ने इसे काम किए हैं, कभी खुलाफाए राशिदीन ने की है, कभी किसी ताबीर ने की है, क्या उनके पास ये काम करने का नहीं था? अगर ये सवाब समझ कर करते तो सहाबा अजमैन करते नहीं इस काम को। लेकिन मेरे दोस्तों आज हम अपने ही मर्जी में, अपना ही मर्जी से दीन के अंदर इस बात को ठोक दी है और उसको सबब समझ कर करते हैं। अल्लाह इन सारे चीज़ों से हमें सबको हिफाजत फरमाए, और तमाम किस्म की बिदात से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तोबा नसीब फरमा दे। अब मेरे दोस्तों आइए, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया हु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वकफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसे एक रसूल तशरीफ लाए जो सच्चे दीन को लेकर तशरीफ लाए, सच्चे दीन को लेकर तशरीफ लाए और हिदायत की साथ इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, नूरी हिदायत लेकर। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذنه। तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूरी हिदायत और यह एक नूर रोशन किताब आई है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हिदायत फरमाता है जो रज़ाए हक की तलबगार है, और अल्लाह पाक परवादिगर आलम अपने तौफीक से उनको जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है। ऐसे नबी को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे हैं जो सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबी, खातिमुन्नबियून, खातिमुन्नबियीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरी हिदायत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, और ये एक रोशन किताब देकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हु अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, और तमाम दीनों पर यह दीन मोहम्मदी गालिब आ जाए। इसलिए अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी हिदायत और रोशन किताब अता फरमाया। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह की गवाही काफी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम रुकअन सुज्जदन यबतगून फजलन मिनल्लाह व रिज़वाना, और उनकी नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबतुल अजमईन खुलाफाए राशिदीन के बारे में फरमाया। वल्लदीन माहु अशिद्दा, जो उनकी साथ है, उनकी साथ काफिरों के साथ बड़े तेज रफ्तार, बड़े बहादुरियत के साथ लड़ने वाले थे। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के ऊपर बड़ी मेहरबान थे। वल्लदीन माहु अशिद्दा अलल कुफार, अशिद्दा व अलल कुफार, काफिरों के साथ बड़े तेज रफ्तार लड़ने वाले थे। वल्लदीन माहु, और उनकी साथ, उस माहू से मतलब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
जो गार सोर की साथियों में से थे मेरे दोस्तों, अशिद्दा वाला कुफार, और जिनको देखकर शैतान भी चुप जाता थे मेरे दोस्तों, मील दूर से जो है ना गायब हो जाते थे शैतान। वो थे हजरत फारूक आजम, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, रहमा बैनहुम। इससे मतलब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे दोस्तों ये एक दूसरे के ऊपर कितने ही मेहरबान, ये साबत अजमैन थी, एक दूसरे के ऊपर कितना ही हमदर्द और कितने ही नरमी की बर्ताव करने वाले थे, एक दूसरे के ऊपर कितने ही शफकत और मेहरबान थे। रुकांग सुज्जद या बतगुना फजलम मिनल्लाह व रिज़वाना, जो हमेशा रुकू और सजदा में, जिसे हजरत अली करम अल्लाह वजहू के मुतालिक फरमाया, जो सिफात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थे मेरे दोस्तों, जो हमेशा सजदा और रुकू में मेरे दोस्तों अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में, अल्लाह की खुशनुदी की तलबगार थे, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नसरिस सुजूद, जब उनको देखोगे मेरे दोस्तों, उनकी पेशानी के ऊपर जो है ना सुजूद की निशानी नजर आती हैं। वही थे साहबातुल अजमईन, वह खुलाफाए राशिदीन मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबी थे, उनकी नक्शे कदम पर चलना तुम्हारे लिए कामयाबी है। जो काम साहबातुल अजमईन खुलाफाए राशिदीन ने नहीं की है, वह अपने ही मर्जी में, अपने ही मर्जी से तुमने दीन का दर अगर ठोक दोगे मेरे दोस्तों, तो तुम बिदाती हो, और बिदाती जहन्नमी है यकीनन, उसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हमें इस रबीउल अव्वल के महीना के अंदर बेशक अब इबादत करते रहो, अल्लाह की दरबार में तौबा करते रहो, इस्तिगफार करते रहो, फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते रहो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दुरूद मेरे दोस्तों, हर नमाज की बात दुरूद भेजो, हर वक्त में, हर हमेशा मेरे दोस्तों, हर वक्त, हर मिनटों और सेकंडों में अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेजते रहो, हर नमाजों में तुम दुरूद भेजते रहो मेरे दोस्तों। तो सिर्फ एक रबीउल अव्वल की महीना को तुम मखसूस मत करो, कि रबीउल अव्वल जब आती हैं हमारे दिलों के अंदर जोश आ जाती हैं कि भाई रबीउल अव्वल की महीना है, ये इबादत की महीना है। नहीं मेरे दोस्तों, 12 महीने इबादत की महीना है। पूरे दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 24 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए 5 औकात की नमाज को फर्ज करार दी है। उस नमाज, फर्ज नमाज को तुम अदा करते रहो, फिर सुन्नतियां अदा करते रहो, और फिर हर नमाज के अंदर रसूल के ऊपर दुरूद भेजते रहो, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बसादत और उनकी अखलाक के मुतालिक जो मकारिमुल अखलाक है, अल्लाह के रसूल जो मोहसिन इंसानियत, मोहसिन इंसानियत के मुतालिक तुम बातें बयान करते रहो, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं। रबीउल अव्वल को मैं क्यों मखसूस करते हो, उसी महीना में डेग पकाते हो तुम, उसी महीना के अंदर लोगों को सदके और लोगों को खूब जो है ना खाना खिलाते हो, पूरे महीना, पूरे साल तुम्हारे पास पड़े वो खिलाते रहो ना मेरे दोस्तों। एक महीना को मखसूस करके क्यों अपने आप को बिदातियों में शामिल कर लेते हो, पूरे साल भर करते रहो मेरे दोस्तों, जितना भी अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेजते रहो, ये कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह और फरिश्ता अपने रसूल के ऊपर क्या भेजते हैं मेरे दोस्तों, दुरूद भेजते हैं। आए ईमान वालों, तुम भी अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेजते रहो। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हम हर किस्म की बिदात और खराफात से हमें बचते रहना चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको हर किस्म की बिदात से हिफाजत फरमाए, जो अल्लाह के रसूल की कौल और फेल से, ना ही साबातुल अजमाइन की कौल और फेल से जो चीज़ साबित नहीं है, ना ही कभी किसी सहाबी ने की, ना खुलाफा राशिदीन ने की, ना किसी ताबीन तबे ताबीन ने की, ऐसे काम करने से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर के दिन अल्लाह के रसूल फरमाएगा, सोकन सोकन लिमन गय्यर बादी, कि दफा हो जा कि मेरी बात तुम लोगों ने मेरे दीन को बिगाड़ कर आ गई, मेरे दीन को बिगाड़ दी, उनको हौज़े कौसर भी नसीब नहीं होगा। तो लिहाजा हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, रासुख़ुल ईमान वाले बन जाए और अल्लाह से डरते रहें, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करते रहें। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तबा करेंगे, अल्लाह ने फरमा दी है अल्लाह की कुर्ब मारफत रब्बानी, कुर्ब याजदानी, अदल इमरानी हासिल हो सकते हैं, और अल्लाह चाहें तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को भी बख्शिश करो।
फरमा दे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों आगे में देखें कि इंशाल्लाह तआला रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत और उनकी सीरत के मुतालिक इंशाल्लाह तआला हमारे वीडियो आगे में आते रहेंगे। आप देखते रहें इंशाल्लाह तआला अल्लाह के रसूल के मेरे दोस्तों जितने भी सीरत कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने बयान करूँ। तो आप इंशाल्लाह तआला हमारे वीडियो को देखते रहें और जो नया देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह तआला आपको बड़े फ़ायदा होंगे अल्लाह के रसूल की सीरत।